अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्लाह ताला का लाख शुक्र एहसान है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में बुजुर्गान दीन के दुआओं से आज मुझे यहाँ पर यानी आज़मीन हज की खिदमत के लिए मुंतखब किया गया है, यहाँ बैठा हूँ। ख़ास तौर पर आज हमारे हर दिल अज़ीज़ क़ायद जनाब रेवंत रेड्डी साहब, वज़ीर आला चीफ मिनिस्टर साहब को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ ही साथ फहीम कुरैशी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने काफ़ी मेहनत की और मुझे इस मौका का खिदमत करने का मौका दिया। ख़ास तौर पर आज इतनी गुफ्तगू करूँगा कि हमारे जो मेंबर्स हैं जो यूनानी मसली तौर पर मुझे मुंतखब किए, काबिल ज़िक्र जनाब जाफ़र हुसैन मेराज साहब मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के जो एमएलए हैं वो, और हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब का और तमाम दीगर मेंबरों का मैं फर्दन शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने यूनानी मसली मुझे मुंतखब किया। और मैं सबसे ख्वाहिश किया हूँ आज़मीन की बेहतरीन खिदमत हो, उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो। जो जो हज कमेटी के फ़रज़ हैं, जैसे यहाँ पर उनकी सेहत के ख्याल के लिए टीका अंदाजी की जाती है और उनके खाने पीने का इंतज़ाम है, और यहाँ से उनको एयरपोर्ट तक पहुँचाना है, फिर वहाँ से उनके लिए फ्लाइट्स के लिए बेहतरीन इंतज़ाम हो, फिर वहाँ पर रुबात का ठहरने का इंतज़ाम हो, ये तमाम चीज़ें हैं। इंशाल्लाह ताला अनकरीब सब बैठेंगे और सही इंतज़ाम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ सिर्फ तेलंगाना नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के भी लोग, तेलंगाना हज कमेटी ऐसी है जो तीन स्टेट के लोगों को यहाँ से भेजा जाता है, सबकी खिदमत करेंगे, उनसे दुआएं लेंगे, बेहतरीन काम करने की कोशिश करेंगे। जज़ाकअल्लाह खैर।